मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कंचनगर फ्रॉम आरवीएल पब्लिक स्कूल। दिस वीडियो फॉर स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट SST, चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर का नेम है डायरेक्शन एंड टाइम, यानी कि दिशा और समय। देखिए, व्हाट डू वी नीड इफ वी वांट टू गो समवेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम पहली, हमें क्या आवश्यकता होती है, इफ़ वी वांट टू, हम कहीं जाना चाहते हैं पहली बार किसी जगह, वी नीड टू नो द राइट डायरेक्शन टू रीच देयर। हमें वहां जाने के लिए सही दिशा की ज़रूरत होती है। विदाउट डायरेक्शन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फाइंड द वे। बिना डायरेक्शन के ये बहुत ही कठिन होता है किसी रास्ते को खोजना। सम टाइम वी नीड टू टेल अवर फ्रेंड्स। कुछ समय में हम अपने दोस्तों को बताते हैं अपने घर, द आवर फ्रेंड्स द वे ऑफ आवर हाउस, अपने घर का रास्ता। इन सच केस, इस केस में क्या होता है, वी ऑफ्टन यूज द वर्ड राइट। इसमें हम शब्द यूज करते हैं राइट, यानी कि दायां, लेफ्ट, बायां, एंड द स्ट्रेट, सीधा। द राइट हैंड सो द राइट डायरेक्शन, जो राइट हैंड होता है वो हमारी राइट डायरेक्शन शो करता है। एंड द लेफ्ट हैंड सोज द लेफ्ट डायरेक्शन, और जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट डायरेक्शन शो करता है। देयर आर फोर मेजर डायरेक्शन, यहाँ पर चार मेजर डायरेक्शन होती हैं, लेफ्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। द एंसिएंट टाइम, जो हमारा प्राचीन समय होता है, इसमें पीपल यूज द सन टू फाइंड द डायरेक्शन, लोग सूरज को के द्वारा अपनी डायरेक्शन को खोजते थे। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ दे डिड इट, कि वो ऐसा कैसे करते थे। यू नो दैट द सन राइज इन द ईस्ट, आप जानते हैं कि सूरज हमेशा पूरब में उगता है। एंड द सेट इन द वेस्ट, और छिपता पश्चिम में। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग, यदि आप सूरज के को फेस करके सुबह में खड़े होते हैं, देन क्या होता है, तब देखिए क्या होता है, ईस्ट इन द फ्रंट ऑफ यू, जो पूरब होगा वो आपके फ्रंट पर होगा, वेस्ट इन बिहाइंड ऑफ यू, जो पश्चिम होगा वो आपके पीछे होगा, नॉर्थ इज योर लेफ्ट हैंड, जो नॉर्थ साइड होगी वो आपके लेफ्ट हैंड साइड होगी, एंड द साउथ इज योर राइट हैंड साइड, और जो साउथ है वो आपके राइट हैंड साइड में होगा। देखिए, हाउ डू वी नो डायरेक्शन एट नाइट, एट अ नाइट, रात में, द सन इज नॉट देयर इन द स्काई, जो सूरज होता है वो रात में नहीं होता है। देन वी टेक द हेल्प ऑफ पोल स्टार, तब हम क्या है, पोल या स्टार यानी कि ध्रुव तारे की सहायता लेते हैं। ऑन अ क्लियर नाइट, एक साफ रात में, वी कैन सी द पोल स्टार इन द स्काई, साफ रात को हम पोल स्टार यानी ध्रुव तारे को देख सकते हैं आकाश में। इट ऑलवेज शाइन इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। वी कैन ऑल्सो फाइंड ए प्लेस ऑन ए मैप, हम एक किसी भी स्थान को मैप पे भी ढूंढ सकते हैं। ए मैप इज ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन ए सीट पेपर, जो मैप होता है वह एक एरिया का ड्राइंग होता है, ऑन अ सीट पेपर, एक पेपर पर, पेपर की सीट पर। इट मे गिव द ले आउट ऑफ द सिटी, ये हमें ले आता है शहर, शहर से और ए कंट्री, एक देश में। ए मार्केट प्लेस, या किसी भी मार्केट के स्थान पर। सो सो ऑन, वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द डायरेक्शन रीड ए मैप, इसीलिए हमें रखनी चाहिए नॉलेज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रीड मैप, मैप को पढ़ने की। विदाउट द यूज ऑफ डायरेक्शन, बिना यूज किए डायरेक्शन के, वी कैन फाइंड एनी प्लेस, हम डायरेक्शन की सहायता से किसी भी प्लेस को आसानी से ढूंढ सकते हैं। दिस इज ए मैप ऑफ इंडिया, देखिए ये मैप ऑफ इंडिया है, इधर ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में है गुजरात, एंड नॉर्थ में है जम्मू एंड कश्मीर, और साउथ में है तमिलनाडु। दिस मैप मार्क विद द फोर डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो अरुणाचल प्रदेश है वह भारत के पूर्वी दिशा को दर्शाता है। गुजरात इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो गुजरात है वह भारत के पश्चिम में स्थित है। इन द नॉर्थ मोस्ट, जो उत्तरी दिशा है, जम्मू एंड कश्मीर इज देयर, वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है, एंड द साउथ, और दक्षिण में तमिलनाडु है। दिस इज अ कंपास, देखिए ये कंपास है, दिस इट हैज़ अ नीडल, इसके पास एक नीडल है, इट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड, इसके पास हमें ये, इट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड, ये हमेशा उत्तर दिशा, टू द नॉर्थ, ये हमेशा उत्तर दिशा को पॉइंट करता है। इफ़ यू नो एनी डायरेक्शन, यदि आप किसी डायरेक्शन को जानना चाहते हैं, यू कैन फाइंड द अदर थ्री डायरेक्शन इजली, और आप किसी भी तीन डायरेक्शन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। टेलिंग द टाइम, देखिए वी यूज ए क्लॉक और वॉच टू नो द टाइम, हम यूज करते हैं क्लॉक या वॉच का, यानी दीवार घड़ी का और हाथ की घड़ी का, किस में, समय जानने के लिए। वी कैन ऑल्सो टेल द टाइम विद द हेल्प ऑफ सन, हम सूर्य की सहायता से भी समय को बता सकते हैं।
टाइम को बता सकते हैं. द एंशिएंट टाइम यानी कि प्राचीन काल में पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक और वॉच. लोगों के पास वॉच और क्लॉक नहीं होती थी. दे कुड टेल द टाइम बाय द लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ सन. तो वह सूरज की पोजीशन को देखकर समय का अनुमान लगाते थे. वी डू एवरीथिंग एट द फिक्स टाइम. हम सभी फिक्स टाइम पर वर्क करते हैं. व्हेन द सन राइज जब सूरज उगता है. इट इज़ द मॉर्निंग. ये मॉर्निंग का समय है. द डे बिगिन वीगन एंड वेल वी स्टार्ट द विदाउट वर्क. और हमारे दिन का शुरुआत होती है और हम सभी कार्य को अपना करना शुरू करते हैं. देखिए आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद. व्हेन द सन इज शाइनिंग हॉट एंड अपीयर्स इन द अप इन द स्काई. जब जो सूरज होता है चमकता है और अपीयर्स यानी कि ऊंचा दिखाई देता है आकाश में. इट इज़ अ नून. तब ये दोपहर का समय होता है यानी कि नून होता है. इट इज़ द 12 o'clock और इस समय 12 बजा होता है. व्हेन द सन बिगिन टू सेट जब सूरज छिपना शुरू करता है. इट इज़ अ इवनिंग ये शाम का समय होता है. देन द स्काई बिगिन टू टर्न डार्क और उस समय जो हमारा आकाश होता है वह डार्क यानी कि डार्क होना शुरू कर देता है. लेट्स लॉट्स ऑफ स्टार यानी कि बहुत सारे स्टार ट्विंकलिंग क्या होते हैं ट्विंकलिंग यानी कि चमकने लगते हैं. एंड द मून स्टार शाइनिंग और जो हमारा मून होता है वो शाइनिंग करने लगता है. इट इज़ द नाइट टाइम ये रात का समय होता है. इट इज़ द टाइम टू गो टू बेड ये समय होता है बिस्तर पर जाने का. देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह ए न्यू डे बिगेंस और अगली सुबह हमारा नया दिन स्टार्ट हो जाता है. एट डे इज़ डिवाइड इंटू 24 hours ऑन ए क्लॉक. एक जो दिन होता है वो 24 घंटे के लिए डिवाइड होता है. ए वीक है 7 days एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं. द नेम ऑफ डेज आर फॉलोइंग यहाँ पर जो सप्ताह के नेम है वो इस तरह से संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे. ए मंथ हैज 4 weeks एक महीने में 4 weeks होते हैं. 12 months में कई ईयर और 12 महीने मिलकर एक साल बनाते हैं. देयर आर 365 days इन ईयर एक साल में 365 days होते हैं. आवर्स मिनट एंड सेकेंड. नाउ वी हैव क्लॉक एंड वॉच टू नो द टाइम. हम वॉच का यूज करते हैं जानने के लिए समय जानने के लिए. एक क्लॉक हैज 2 or 3 hands जो क्लॉक होते हैं उसके पास 2 या 3 hands होते हैं. द शॉर्ट हैंड शोज द ओवर जो सबसे छोटा हैंड होता है वो शो करता है किसे ओवर को. इट इज़ कॉल्ड द ओवर हैंड इसे हम ओवर हैंड कहते हैं. द लॉन्ग हैंड शो द मिनट जो लॉन्ग हैंड होता है वो शो करता है मिनट को. इट इज़ द कॉल्ड मिनट हैंड इसे हम मिनट हैंड कहते हैं. द थर्ड हैंड जो तीसरा हैंड होता है वो इफ़ इट इज़ देयर यदि वो वहाँ पर है तब शो द सेकेंड तो वो शो करेगा सेकेंड को. इट इज़ द लार्जेस्ट हैंड इसे हम कहेंगे लार्जेस्ट यानी कि लंबा हैंड. इट इज़ कॉल्ड द सेकेंड हैंड इसे सेकेंड हैंड कहते हैं. 60 seconds मेक अ मिनट जो 60 seconds होते हैं वो 1 minute को मिलकर बनाते हैं. एंड द 60 minutes मेक अ आवर और 60 minutes जो होते हैं स्टूडेंट्स वो 1 hour बनाते हैं. स्टूडेंट्स बी कंप्लीट द बुक रीडिंग. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.